नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं मोमोज की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। वो रेड चटनी जो बहुत तीखी होती है और बहुत टेस्टी होती है, आप इसे बनाएंगे तो आपको टेस्ट में पता चलेगा। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनी है ये, बहुत ही टेस्टी होगी और बहुत ईजी स्टेप्स हैं इसको बनाने के, फटाफट बन जाती है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले एक गिलास पानी लिया है और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये 15 से 20 मैंने तीखी वाली मिर्च ली है, तो आप तीखी वाली मिर्च ही लें। बाकी तीखा नहीं खाते हैं तो आप कम तीखी मिर्च भी ले सकते हैं। इन्हें हम पानी में डाल देंगे। ये देखिए, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया और एक पूरा लहसुन छील के लिया है और 2 टमाटर डाले हैं इसमें मैंने, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। अब इसे हम ढककर बॉईल होने देंगे। यहाँ पर गैस को हमें फुल रखना है। 3-4 मिनट बाद देखेंगे अच्छे से ये बॉईल हो गया है। अभी इसे हम अच्छे से मिला देंगे और अभी इसको हमें और कुक करना है ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से कुक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा पानी इसी में रिड्यूस हो जाए। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे फिर से 5 से 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो देखिए, अब पानी भी कितना कम हो गया और ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है। हम इस तरह दबा कर देख लेंगे कि सब कुछ कुक हो गया है। अब इसे हम ठंडा कर देंगे गैस बंद करके, और ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे और इसमें एक्स्ट्रा पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, यही पानी चल जाएगा। और थोड़ा दानेदार आप पीसे, बहुत बारीक नहीं पीसना है, महीन पेस्ट नहीं करना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने पीस लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, इससे थोड़ा दिन ख़राब भी नहीं होगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आप विनेगर ज़रूर डालें और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, थोड़ी दानेदार चटनी बनी है, तो आप बिल्कुल महीन पेस्ट ना करें, हल्का सा दाना उसमें रखें। देखिए, तो ये चटनी रेडी है, इतना ईजिली बन गई है। आप इसे मोमोज ही नहीं, पराठे या किसी और स्नैक के साथ भी खा सकते हैं। और आप एक बार बनाकर और खाकर देखिए, ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है।